दोस्तों कैसे हैं आप? मेरा नाम है यूबी, आई एम मिस्टर यूबी। ये है भाई बुआ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है संक्रांति। हमारे गांव में जो मनाते हैं हर महीने, तो गर्मी का बड़ा महीना है देसी महीने के हिसाब से, तो ये सबसे बड़ा महीना होता है, तो हमारे यहाँ संक्रांति मनाई जाती है। आज के दिन छोटा मोटा फेस्टिवल होता है। क्या क्या पकवान बनते हैं? चने। हाँ, आलू चने। आलू चने और राजबीर। आलू चने और कच्चे आम की खटाई और तली रोटियां बना रहे हैं दादी। और पतरोड़े बनाएंगे हम। और बस, आप क्या क्या खाओगे? कुछ खाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये सब बना रहे हैं, तो शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैं अभी ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। साल के जो कुछ महीने हैं देसी महीने के हिसाब से, हम कुछ संक्रांत जो है वो अपने रिचुअल के हिसाब से मनाते हैं, और फिर पकवान भी बनते हैं और फिर पितरों को भी भोग लगाते हैं और फिर हम सब खाते हैं। पहले के ज़माने में सभी को बुलाते थे, जो भी अपने जानने वाले खास खास लोग होते थे उनको बुलाते थे खाने पर, और एक दूसरे के घर जाते थे। अब ऐसा है कि ये संक्रांत अपने अपने घर में मनाते हैं। आजकल किसी को टाइम नहीं है, दो लोग इधर रह रहे हैं, दो लोग बाहर रह रहे हैं, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ, सब बोलते हैं अब आएंगे, टाइम नहीं होता किसी के पास। अब मैं जा रही हूँ छत पे, वहाँ अरबी के थोड़े से पत्ते लगे हैं उनको ले आती हूँ, फिर पतरोड़ू भी डालते हैं। और मम्मी ने यहाँ पर आलू चने की सब्जी चढ़ा दी है, आलू फ्राई कर दिए है और कढ़ाई में डाल दी है आम की खटाई। तो मैं आ गई हूँ छत पर, और हमने ना एक ही ये सिंक था, पुराना सिंक, तो इसमें हमने अरबी के ये पत्ते लगाए हैं, तो ये थोड़े से मैं इनको तोड़ूंगी, जो भी बनेंगे 2-3 तो छोटे छोटे बनेंगे इनके, क्योंकि ये इसमें होते हैं ना गमले में पत्ते, तो बड़े नहीं होते हैं। बुआ अरबी के पत्तर तोड़िए, अब देखो इनको पत्तरों को काटेगी, देखो पत्तर दिख रहे हैं, वो देखो दिख रहे हैं आपको पत्तर? इनको नहीं दिख रहे हैं, पत्तर बोलते हैं कि पत्ते बोलते हैं। कौन कौन खाता है अरबी के पत्ते? अरबी के पत्ते मैं खाती हूँ, यू भी तो नहीं खाता होगा। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो अच्छी है, ये देखो पत्ते, इन सब में पत्ते नहीं है, इस बड़े वाले ढक्कन में पत्ते हैं, अरबी के पत्ते। और देखिए ये मैंने बैठ रखा है, वो बोल रखी है, वो एक साबुन है ऑरेंज कलर का, और ऊपर क्या है देखो, और यहाँ वहाँ पे बाथरूम, वो ग्रीन, वहाँ से नीचे गिरने का डर है, अगर वहाँ पे पहुँच गए नीचे ऐसे गिर गए डर। ये तोड़ लिए छोटे छोटे पत्ते, अब मैं इनको लेके चलती हूँ और अच्छे से धोती हूँ। तो मैं पत्ते ले आई और भाभी यहाँ पर बनाने लग पड़े हैं, और मम्मी रोटियां तलने लगे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि रोटियां ले आ। ये है रोटियां, बेल दी है और इनको ढक के रखा ना। ये ले जी रोटी, मम्मी ने रोटियां भी तल दी। देखो मम्मी पतरोड़े बना रही है, क्योंकि आज क्या है, आज संक्रांत है तो पकवान बनेंगे। देख देखो मेरा खराब भाई कितना शरारती है, देखो बैट बॉल खेलने को रो रहा है छत में, अब आने की ब्लॉगिंग कर रहा है। ये देखो दादी कुछ बना रही है, क्या बना रहे दादी? रोटी बना रही हूँ। रोटी बना रहे हो? हाँ, कौन सी रोटी बना रहे हैं बता भी दे। तली रोटी। तारी है, तली तली रोटी। तार के रोटी। हाँ। संचोड़ो भी बन दे। संचोड़ो नहीं बनेंगे। संचोड़ो बनाने नहीं है ना, पर खमीरा नहीं है ना। अच्छा, अब चलते हैं बाहर।
ये देखो पूरी रखी है यहाँ पे। ये देखो ये ऐसे सामान बिखरा पड़ा जे यू जैसा भी यू भी नहीं करा। ये देखो बन गए तीन कचरौड़ू। ये देखो ये लो अब मैं आ गई छत पे। तो यूपी ने बहुत देर से बोल रहा था कि बुआ मुझे बॉल करवाने चलो बॉल करवाने चलो। ये इसने ना शाम के टाइम थोड़ी देर बैट बॉल खेलना होता है तो मैं थोड़ी देर 15-20 मिनट खिलाती हूँ। तो देर से बोल रहा था लेकिन अब आई मैं इसको लेके बैटिंग करना और बुआ बॉलिंग करा रही है। बॉलिंग करा रही है। आपको बैट बॉल खेलना पसंद है? यस। यस बहुत देर से परेशान कर रहा था थोड़ी देर खिला ही लेती हूँ इसको इस बंदर को। चल कहाँ गिरी? किसने फेंकी? तो बहुत अच्छा किया। अब तो आंटी छत में भी नहीं है। देख वाला आ जा यहाँ बॉल गिर गई है यूवी की। वो देखो वो गिरी है यूवी की बॉल। यूवी ने क्या किया मेरे पास बॉल फेंक रहा था और इनकी छत में चली गई। और अब ये छत में है नहीं तो हम बॉल कैसे मांगेंगे? जब ये छत में आएंगे तब हम इसकी बॉल मांग सकते हैं। तो अब यू भी बोल रहा है कि खिलाओ या आंटी को बोलो। अब क्या करे यू भी बच्चा क्या करे क्या करे बता क्या करे अब क्या समूह बनाया है क्या करे बोल बोल। अब हम क्या करें? और मेरे फ़ोन की क्लैरिटी देखना कम है। यू भी खेल के आ गया ना अब तो अब रोटी खा रहा है वो भी अपने हाथ से नहीं खा रहा है दादी से खा रहा है रोटी ये लड़का। हम भी रोटी खा लेते हैं यहाँ पितरों के लिए रोटी की मर्ज पूजा कर दी है तो हम खा लेते हैं। खाऊंगी और यहाँ पर पतरौड़े तले जा रहे हैं ये देखो बन ही गए हैं 3-4 पतरौड़े खा लेंगे हम। फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो गया और अब मैं यूवी को पढ़ा रही हूँ। तो यूवी मेरे पास बैठा है यहाँ पढ़ने के लिए और देखो इसने बेड पे चेयर रखी है फिर बैठा है। क्या लिख रहा बता दे ये है क्या? तो क्या है व्यंजन? क्या लिख रहे हो? व्यंजन व्यंजन। कल क्या है एग्जाम है ये व्यंजन है। हाँ कल पेपर है पेपर ये रिक्त स्थान है। कल मेरा पेपर है स्कूल से आके मिलूंगा ठीक है ना। यूबी का पेपर है ना तो इसके लिए ये तैयारी कर रहा है लेकिन ये मस्ती बहुत करता है पढ़ाई का। तो मैं थोड़ी देर इसको पढ़ा लेती हूँ। अभी इसने दो लाइनें लिखी है और ये खुद ही बोल रहा है कि कल मिलूंगा मैं आपसे। तीन लाइनें हैं? तीन लाइनें लिखी तीन लाइनें। हाँ तीसरी लाइन चली है अभी पूरी थोड़ी ना हुई है। फिर खुद ही बोल रहा है कि कल स्कूल से आके मिलूंगा। ये बहुत खराब लड़का ये हमारा। चलो चलो लिखना शुरू कर। हेलो बोल दो यूवी सीधा करो फोन। नहीं अभी बोलो बोलो। हेलो एवरीवन आज कल मेरा एग्जाम है तो मैं कल बैट में डाल के कार्डबोर्ड लेके जाऊंगा तो फिर देखते हैं कितना मजा आता है इंसान एग्जाम करने में। अच्छा एग्जाम करने में मजा आता है आपको? बात उन्नी अच्छे से एग्जाम करना। ओके फिंगर निकालो। चलो अब लिखो।